वेलकम टू सोल, वेलकम टू कोरिया, वेलकम टू कोरिया। ये क्या है, लिकर? अच्छा, ये जैक डेनियल्स कितने की है? 36,000 की। या मेंस हेयर कट हाउ मच? 18,000। क्या मस्त है ना, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, झाड़ हो गया, कलरिंग बिल्डिंग हो गई, क्या मस्त बनाया यार ये लोग। हे गाइस, क्या हाल है आप सभी का? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ये है थर्ड वीडियो कोरिया सीरीज का, तो स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ट्रैवल वीडियो में कोरिया सीरीज के। अगर पिछले दो वीडियो देखे तो आपको पता है कि फर्स्ट वीडियो क्या था, कि कोरिया का टूरिस्ट वीजा आपको कैसे मिलेगा, वो सारी चीजें आपको बताई। सेकेंड वीडियो ये था कि इंडिया से मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरी जो जर्नी थी कोरिया के लिए, यहाँ तक एयरपोर्ट तक आता हूँ फिर वीडियो बंद कर देता हूँ, तो वो वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है, वीएसजेट जो एकदम सस्ती में मेरे को टिकट मिली थी उसका एक्सपीरियंस क्या था, सारी चीज़ें आपको पता चल गई। ये है थर्ड वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि कोरिया क्या वाकई में महंगा है, अगर है तो कितना है, बिकॉज एयरपोर्ट उतरते ही आप कोई भी कंट्री में उतरते हो उसके बाद आपके खर्चे हो जाते हैं स्टार्ट, ठीक है? तो मेरे भी हो जाएंगे अभी, क्योंकि यहाँ से मैं सिटी सेंटर जाऊँगा, क्योंकि जो इंचियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सोल का एयरपोर्ट है ना, वो सिटी सेंटर से 1 घंटे की दूरी पर है। तो 1 घंटे की दूरी मतलब ट्रेन या बस से मैं जाऊँगा सिटी सेंटर, तो उसके लिए पैसा तो लगेगा, उसके बाद अपने हॉस्टल में चेक इन करूँगा पैसा तो लगेगा, उसके बाद कुछ खाऊंगा पैसा तो लगेगा, सारी चीज़ों में पैसा तो लगेगा। इनफैक्ट स्टार्टिंग में अगर सिम कार्ड भी लेना है, अगर बजट में है सस्ते में, तो उसके लिए भी पैसा लगेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सामने है करेंसी एक्सचेंज की शॉप। एयरपोर्ट पे, दुनिया के कोई भी एयरपोर्ट पे भाव अच्छा नहीं मिलता है राइट करेंसी का, तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ $50 का करेंसी एक्सचेंज कराएंगे। ये लो जी मैडम, $50 के दे दो, है ना? रेट की बात करूँ तो 1365, $1 के पीछे 1365 मिल रहा है, और गूगल के हिसाब से अभी मैंने चेक करा तो 1420 मिल रहा है, मतलब आप कह सकते हो कि मिल रहा है मेरे को 50 वॉन कम $1 के पीछे, यानी कि $50 के पीछे 2500 कोरियन वॉन कम मिलेगा, यानी कि इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करूँ तो हो जाता है तकरीबन 120 रुपया, 130 रुपीज़ मेरे को थोड़ा घाटा हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, एयरपोर्ट है तो इतना तो समझ में आता है। बता दूं कि $1 इज इक्वल टू 1420 कोरियन वॉन, और 1 इंडियन रुपीज़ इज इक्वल टू 17 कोरियन वॉन, 17 कोरियन वॉन है 1 रुपये के मुकाबले। ये है आज के रेट्स कोरिया वॉन के, ठीक है? मेरे को मिले 68,000 कोरियन वॉन, और ऊपर कुछ चिल्लर है, ये रहा 10,000 कोरियन वॉन की नोट, अब देख लो, और ये 1,000 की है, और एक 5,000 की भी है, आप देख लो, आगे तो आपको अच्छे से देखते जाएंगे। आदमी तो एक ही लग रहा है मेरे को, कि अलग अलग है, पता नहीं यार, इसमें तो नोट में भी आदमियों का पता नहीं चलता, एक एक ही अलग अलग है। वैसे गाइस, इतना जो बैक टू बैक ट्रैवलिंग करता हूँ ना, तो मेरे को फास्ट ट्रैवल बुकिंग ऐप की जरूरत होती है, जिससे लास्ट मिनट बुकिंग भी हो सके, इसलिए मैं यूज करता हूँ वीगो का ट्रैवल ऐप। वीगो एक फास्ट लोडिंग ट्रैवल बुकिंग ऐप है, जिसमें फ्लाइट हो या होटल बहुत इंस्टेंटली रिजल्ट्स दे देता है। जैसे कि अगर मेरे को फ्लाइट बुक करनी है तो बड़े बड़े ट्रैवल पोर्टल्स को कंपेयर करता है, फ्लाइट कंपनी को कंपेयर करके रिजल्ट्स दे देता है। सिमिलरली अगर होटल बुक करनी है तो जैसे ही होटल सर्च करता हो तो बड़े बड़े ट्रैवल कंपनीज को कंपेयर करता है और बहुत सारे ऑप्शंस दे देता है। वीगो में बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ साथ इंडियन रेलवे IRCTC की ट्रेन भी बुक कर सकते हो। तो गाइस, जब एक ही ऐप में सारी सुविधा मिल जाती है तो फिर क्या ही दिक्कत है, अब भी डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, और अगर ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हो तो उसे अपडेट जरूर करना, तो एंजॉय अमेजिंग ऑफर्स। अभी कंटिन्यू करते हैं इस अमेजिंग से वीडियो को कोरिया के, है ना? ये देखो, यहाँ पे सिम कार्ड के काउंटर है और काफी भीड़ है, इनफैक्ट सिम कार्ड भी है, वाईफाई भी चाहिए, मतलब डोंगल वोंगल भी देते हैं लोग रेंट पे, देखते हैं रेट्स क्या है। तो वाईफाई राउटर तो मैं लेके मतलब नहीं, अगर वाईफाई राउटर तब लो जब अगर 2-3 लोग हो ना, तब सस्ता पड़ेगा, बिकॉज 30 डेज का, एक दिन का तो कोई मतलब ही नहीं है, 8,000 वॉन है जो कि 500 रुपीज़ हो जाता है, और 30 डेज का ये सब अनलिमिटेड है, ये 55,000 कोरियन वॉन है। और अगर सिम कार्ड की बात करूँ तो देखो ये रेट है, एक दिन का तो कोई मतलब ही नहीं, एक दिन का कौन लेगा, 5 डेज का 27,000 वॉन, 10 डेज का 38,000 वॉन, 20 डेज का 60,000 वॉन, और 30 डेज का 71,000 वॉन। मेरे को अभी कितना है, 68,000 वॉन आया ना $50 के बदले, अब मान के चलो एक महीने का चाहिए तो $50, यानी कि 4,000 रुपया इंडियन करेंसी में इंटरनेट का, बाप रे। अगर मैं 10 दिन का भी खरीदूँ तो उससे आधे से भी ज़्यादा है, मतलब आप मान के चलो 2200-2300 का पड़ेगा। तो यार एक्सपेंसिव है सिम कार्ड वगैरह, मैं सोच रहा हूँ कि सिटी से ही लूँगा, यहाँ से विदाउट सिम ही जाता हूँ, और अभी ट्रेन की तरफ चलते हैं फिर, है ना, सिटी सेंटर पहुँचने के लिए। जैसे ही बाहर है, बहुत ठंडी है बॉस, एकदम ऐसे लग रहा है कि मैं ठंड में पहुँच गया हूँ शिमला मनाली, सच कह रहा हूँ। अब मैं एयरपोर्ट के बाहर इसलिए आया था बिकॉज मेरे को बोर्ड दिखा था एयरपोर्ट रेल रोड का, तो उस हिसाब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। बाय द वे, ये रहे कोरियन के फ्लैग्स, साउथ कोरिया का फ्लैग। एक्सक्यूज मी, हॉन्गकॉन्ग यूनिवर्सिटी देयर? अच्छा, मशीन ओके, अच्छा कोई मशीन से लेना पड़ता है टिकट, किधर है मशीन? अच्छा ये रहा,
you want to go where? Hongdae, Hongkik University, you know, Hongkik? Metro station, select station, Hongkik University, yep. Please select number of passengers. One, just one. One ticket. 4,650, right? Yes. Okay. Achha, thank you so much. You're welcome. 4,650 won, yani ki aap maan ke chalo, 250 rupiya, 250 Indian rupees. जी आ गए हैं हॉन्गकिक यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन के बाहर या फिर रेलवे स्टेशन के बाहर, आप जो भी कह सकते हो. और सच में कह रहा हूँ, बहुत ठंड है. लगता है पायलट ने गलत अनाउंसमेंट किया था कि 60 डिग्री है. ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता ये 60 डिग्री को. 7 डिग्री मेरे को भी समझ में आता है कितना ठंडी लगेगा, ये बहुत ज़्यादा है. ये मैं आगे देखूंगा जब इंटरनेट होगा, मेरे पास अभी है नहीं. लेकिन इतना पता है कि घर से स्टडी करके आया था, मतलब कि जैसे ही हॉन्गकिक उतरूंगा तो कहाँ से मेरे को एग्जिट लेके 7 to 8 minutes बाय वॉक है, जहाँ पे मेरा हॉस्टल है ना. तो मेरे को पता है कि सीधा जाना है 5 मिनट, फिर वहाँ से राइट लेना है. सच कह रहा हूँ, हाथ एकदम वो हो रहे हैं, सुन्न पड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ठंड है. देखता हूँ अभी किसी को पूछता हूँ कि भैया बता दो कि क्या है टेम्परेचर आज का सोल में करंट. ओके थैंक यू, बाय बाय. मैंने बोला था सबको कि 60 डिग्री हो ही नहीं सकता. क्यूट है मेरी तरह. चलो आ गई फाइनली अपनी हॉस्टल. हाय देयर गेस्ट हाउस. सही है, बढ़िया है यार. जी तो हॉस्टल में फिलहाल चेक इन मिला नहीं है. इसका कारण ये है कि सुबह 9:30 बजे पहुंच गया था और दोपहर के 3 बजे का इसका टाइम है चेक इन का. और अगर बेड खाली रहता है तभी कोई भी हॉस्टल वाला आपको अर्ली चेक इन देता है. इन्होंने कहा कि बेड भी खाली नहीं है, एक बंदा चेकआउट करेगा उसके बाद ही आपको वो बेड मिलेगा. तो 2 से 3 बजे ही आइए. तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, सामान रख देता हूँ, हाथ मुँह धो लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, कपड़े चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद निकल पड़ता हूँ बाहर, है ना. और इसलिए मैंने आपको हॉस्टल बताया नहीं. लेकिन अगर हॉस्टल की रेट की बात करूँ तो मेरे को 4 रात का पड़ा है 8,600 रुपीज़. जी हाँ, हॉस्टल के हिसाब से काफ़ी महंगा है, बिकॉज सोल साउथ कोरिया थोड़ा महंगा है. अगर आप पर नाइट के हिसाब से बात करो तो 2,200 रुपीज़ के आसपास हो रहा है. हॉस्टल के नज़र से काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है. मैंने कॉर्नफ्लेक्स और दूध खा के ही आया हूँ बाहर. और हॉस्टल में आपको लास्ट में बताऊँगा जब हम दोपहर में चले जाएंगे वापस. अब बजे सुबह के 11, क्योंकि 1.5 घंटा जो फेलो ट्रैवलर्स थे, मतलब जो हॉस्टल में बाकी लोग थे ना, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उनसे बात कर रहा था. कोई सिंगापुर से, कोई ताइवान से थी, कोई फ्रांस से थी. तो 1.5 घंटा कैसे गया पता ही नहीं चला. फिर मैंने कहा कि अभी बाहर निकलते हैं तैयार वेयर होके. मैं तैयार हो गया और बाहर जैसे आया तो देख पा रहा हूँ कि शॉप्स जो बंद भी है ना, फॉर एग्जाम्पल ये सब शॉप्स बंद है. ये 12 बजे खुलती है, लिखा हुआ है टाइमिंग 12 बजे का, लेकिन शटर नहीं है, सिर्फ कांच के दरवाजे, जैसे हम दुबई में देखते, जैसे मैंने अजरबैजान में देखा था. बिकॉज यहाँ पे ये इलाके में या फिर सोल में बहुत कम इलाके ऐसे जहाँ थोड़ा रिस्क है, बाकी चोरी वोरी क्राइम बहुत ही कम होते हैं यहाँ पे. हॉस्टल के बगल में ही एक कैफ़े शॉप है, नुक्कड़ आप कह सकते हो, कॉफ़ी शॉप, कैफ़े भी नहीं बोल सकता, क्योंकि कैफ़े में अंदर सीटिंग वेटिंग रहता है तो उसका अलग सीन रहता है, अलग रेट्स रहते हैं. लेकिन ये रोड साइड नुक्कड़ बोलते हैं ना अपने इधर, वैसा है. लेकिन यहाँ पे नुक्कड़ भी देख लो कितना खूबसूरत दिखता है ना, मस्त. एनीवेज अगर रेट की बात करूँ तो यहाँ पे एस्प्रेसो स्टार्ट हो रहा है 2,500 कोरियन वॉन से. फिर अमेरिकानो है, फिर कैफे लाटे है, कैपुचिनो है, कैपुचिनो कैफे मोका, ये जो भी है आप देख लो, 2,500 वॉन, मतलब फिर भी हो जाता है तकरीबन 130-140 इंडियन रुपीस. आप सोच रहे हो यहाँ से कॉफ़ी स्टार्ट होती है नुक्कड़ में. यहाँ पे भी 7-Eleven के ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको स्टोर्स, लेकिन E-Mart 24 करके भी होता है. यहाँ पे भी रेट्स किफ़ायती होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोर्स. तो यहाँ पे पहले तो मेरे को पानी की बॉटल लेनी है. इसका कारण ये है कि हॉस्टल में पानी तो है, तो पानी तो है हॉस्टल में लेकिन बॉटल नहीं है. मैंने बॉटल फेंक दी थी कहीं, तो एक पानी की बॉटल ले लेता हूँ, फिर हॉस्टल में रिफिल करता जाऊँगा. ये क्या है, लिकर? अच्छा, ये जैक डेनियल्स कितने की है? 36,000 की. आप डिवाइड बाय 17 कर देना, बिकॉज 1 इंडियन रुपीज़ इज इक्वल टू 17 कोरियन वॉन. तो जो भी आपको रेट दिखेंगे ना, डिवाइड बाय 17 करोगे तो आपको इंडियन रेट्स के भाव मिल जाएंगे बेसिकली, है ना. चलो ये साइड में रखते, ये काम का नहीं है. पानी किधर है? पानी
पानी पानी पानी, हाँ ये रहा पानी, इधर है ये पानी, यहाँ से स्टार्ट होता है बॉटल, 950 कोरियन वॉन, यानी कि हो गया 55 रुपीज़ के आसपास। ये बड़ी बॉटल लग रही है, लेकिन इस पर कोई लेबल वेबल नहीं है। ये 800 वॉन, ये भी 45-47 रुपीज़ हो गया। Hi. Welcome to Seoul. Welcome to Korea. Welcome to Korea. ये क्या है? काकाओ हेयर शॉप। ये काकाओ तो इनके मैप का नाम है। अच्छा हाँ, ये शायद बताया नहीं है मैंने, काकाओ मैप डाउनलोड करके आना साउथ कोरिया में, गूगल मैप्स के भरोसे मत रहना। काकाओ मैप डाउनलोड करना जो प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और एक पापाओ ट्रांसलेशन जो कोरियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, बेसिकली इमेज को भी ट्रांसलेट करके बताएगा, मतलब काका पापा दोनों डाउनलोड करके आना फ़ोन में। चलो अभी ये एक बार देख ही लेते हैं, हेयर शॉप है ना, देख लेते हैं हेयर कटिंग वगैरह का यहाँ पे रेट क्या है ना। या मेंस हेयर कट हाउ मच? 18,000 वॉन। 18,000 वॉन मतलब कितना हुआ? 900 रुपया, 900 रुपीज होता है इंडियन का। एंड शेविंग, यू डू शेविंग? शेविंग नो नो शेविंग, ओनली हेयर कट। एंड फॉर वुमेन हेयर कट हाउ मच? वुमेन अच्छा 23,000, सही है, मतलब 1,400 रुपीज हो गया। बहुत महंगा यार 900 रुपये का। मैं बचपन में 50 रुपये का कटाता था, 20 रुपये का भी कटाता था, 20 रुपीज में बहुत छोटा था, मेरे को याद है, दुकान में कटाता था, ऐसे रोड पे नहीं। और अभी तो 150 का कटाता हूँ, मुंबई में तो यही रेट है स्टोर में, यहाँ पे 900। कभी कभी जिंदगी में जो दिखता है ना वो होता नहीं है, टू व्हीलर नहीं है ये, थ्री व्हीलर है, ये छुपा हुआ एक टायर। सही है ना। और यहाँ पे बॉलीवुड के गाने बज रहे यार। अच्छा हेलो इंडिया, इंडियन रेस्टोरेंट, अरे इंडिया का झंडा भी है, वाह मजा आ गया, दिल खुश हो गया, सच कह रहा हूँ। ये इनका लंच सेट है, और ये है रेट। बाय द वे बता दूं कि अपने भाई इंडिया से ही है, दिल्ली से हो ना आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष रावत है। रावत? यस। अच्छा आपका? मेरा दीपक कुमार। दीपक कुमार, आयुष रावत भाई, बढ़िया एकदम। मैं मुंबई से हूँ वैसे, सेम ईयर। सो बेसिकली ये यहाँ पे रेट है, सेट रहता है, अलग से आप कुछ ले नहीं सकते हो। अभी देख लो ये सेट, जैसे कि 9,000 वॉन का है, मतलब इंडियन करेंसी में 500 हो गया है ना, 500 रुपीज के आसपास हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट है, पूरी थाली सिस्टम मान लो, थाली होता है ना अपने इंडिया में, जिसमें सलाद है, दो करी है, एक तो दाल फ्राई रहेगा राइट, दाल फ्राई और एक मिक्स वेज, और पालक पनीर चाहिए तो कोई मिल जाएगा आपको है ना। हाँ तो पालक पनीर कर दो और दाल फ्राई कर दो, बाकी तो ये नान तो अंडा रहता है ना मैदे में, फॉरेन में रहते हैं, अपने इंडिया में नान में बेक ऑफ होके हम खा सकते हैं बिकॉज वेज होता है, लेकिन चाहे थाईलैंड हो कि कंबोडिया हो कि वियतनाम हो कि बाली हो, किधर भी आप जाओ नान एक बार पूछ के ही खाना, क्योंकि नान में ये लोग अंडा मिलाते हैं, मैदे की कोई भी चीज़ होती है उसमें अंडा रहता ही है। तो नान तो नहीं चाहिए जी मेरे को, आप क्या करोगे, चावल ज़्यादा कर लोगे? राइस एक्स्ट्रा दे देंगे, क्योंकि रोटी नहीं मिलती है ना। चलो कोई नहीं, आप राइस एक्स्ट्रा कर दो, एक सेट तैयार कर दो है ना। ये आ गई अपनी सेट थाली। अच्छा चावल इतना ही मिलता है क्या? रिफिल ले सकते हो। अच्छा रिफिल ले सकते हैं, सही है सही है, ग्रेवी अच्छी है पालक पनीर की भी, एक नींबू साइड में दे दो बस। ओके BTS वाले है क्या? शायद हो सकता है। क्या मस्त है ना ये सब, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, झाड़ हो गया, कलरिंग बिल्डिंग हो गई, क्या मस्त बनाया यार ये लोग। ये कपड़े का सेल वेल लग रहा है इसलिए बाहर है ऐसे स्ट्रीट पे, देखते हैं रेट क्या है। जैसे कि ये 26,000 का हो गया, 26,000 मतलब कितना हो गया, डिवाइड बाय 17 कर लो, या फिर मैं लिख देता हूँ इंडियन करेंसी में, आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या रेट्स चल रहे। जैसे कि ये 20,000 का हो गया, तो ये है तकरीबन 1,100 का, 1,100 रुपये का है, सही है, मतलब इतना महंगा नहीं है, ठंड के हिसाब से भी है। और ये हुडी है, फुल स्लीव वाले हुडी है, ये अगेन 16,000 वॉन का है, मतलब आप मान के चलो 800 रुपीज़ का है, तो रेट के हिसाब से इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक ही है। मैं सोच रहा हूँ एक ग्लव्स ले ही लूँ, बिकॉज ठंड ज़्यादा है और आगे और बढ़ेगी, मेरे को 2 हफ्ता बिताना है कोरिया में, तो 4,000 वॉन मतलब हो गया इंडियन करेंसी में 210-220 रुपया, ले ही लेता हूँ।
बाहर जो भी था वो शायद ओल्ड स्टॉक रहेगा जिसकी वजह से सस्ता लग रहा था। अभी ये देखो टोपी भी 40,000 वॉन की है, यानी कि हो गया 2,200-2,300 रुपीस इंडियन करेंसी में। और तो और ये सब भी बहुत महंगे लग रहे थे। ये क्या रेट मैंने इधर ही किधर देखा था। हाँ ये 40,000 का शर्ट, मतलब अगेन 2300 रुपये का शर्ट, कितना सादा शर्ट है ये। यहाँ पे मेरे को करेंसी की शॉप मिल गई, आई मीन करेंसी एक्सचेंज का, जिसका $1 का मिल रहा है 1,403। और एयरपोर्ट पे कितना मिला था? 1,350। मतलब आप समझ जाओ कि 50 रुपए का छूना लगा था। चॉकलेट फ्री, क्या बात, थैंक यू सो मच। वाह चांदी चांदी हो गई मेरी तो। तो गाइज आ गया हूँ अपने हॉस्टल में दोबारा, क्योंकि लिए बच गए 3, तो चेक इन वेक इन कर देता हूँ। मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ कि कैसा है हॉस्टल और कैसा है कमरा और क्यों मैं दरवाज़ा पकड़ रहा हूँ, क्योंकि लॉक हो जाएगा, फिर कोड वोड डाल के वापस कौन खोलेगा। आप बाहर का देख लो, ये है कुछ ऐसा लुक बाहर का, और अंदर का भी दिखाता हूँ, बेड दिखाता हूँ, कमरा दिखाता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ। कमरा मतलब बंक बेड है, एक रूम में 4 बेड है, बस वही बात है। तो ये ऐसा है कमरा, कमरा किधर है ये देखो, शूज़ वूज इधर खोल के ऐसा पहनने का, चप्पल इनके जो कि फ्री रहते, कोई चार्ज अलग से नहीं है। और ये रहा कमरा 105 नंबर, जिसमें हर कमरे में अलग से वॉशरूम है, और 4 बेड है इसमें। ये वाला बेड मेरा है, इसमें सब सामान फ़िलहाल ऐसे ही रख दिया है, और वो रहा नीचे मेरा बैग। छोटा सा रूम है बहुत, लेकिन मेरे को ऊपर का इसका किचन बड़ा ही प्यारा लगा, बहुत अमेजिंग, बहुत साफ लगा, और मज़ा आएगा। क्योंकि ऋतिका ने मेरे को चावल डाले हैं और पोड़ी डाली है, चेन्नई गए थे ना तो वहाँ से पोड़ी लाई थी। एक पाउडर रहता है जो चावल में मिला के, घी या बटर भी मिला सकते हैं, मतलब घी तो होगा नहीं यहाँ पे, तो उबाल लूँगा चावल, फिर उसके बाद पोड़ी डाल के, घी डाल के, आई मीन बटर डाल के खाऊँगा, है ना। तो सही है, किचन प्यारा है और ब्रेकफास्ट फ्री है, जिसके वजह से एक मिनट बता रहा हाय। ये देख लो कितना साफ सुथरा है। तो अगर किचन साफ सुथरा होता है ना हॉस्टल में, वो सबसे अनिवार्य होता है। और यहाँ के जो होस्ट है ना, जिनका ये प्रॉपर्टी है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, उसके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। तो अगर आपको साफ सुथरा रखने आता है और पसंद है, तो ही ऐसे हॉस्टल में स्टे ले सकते हो। वरना तो अगर आप पार्टी काइंड ऑफ पर्सन हो, तो फिर सोल में तो ऑप्शन कम है, और जो भी ऑप्शन है उसके रेटिंग्स बहुत ही कम है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने ऊपरा ऊपरी से देख लिया कि हाउ एक्सपेंसिव इज सोल कोरिया, ठीक है। अंदर से तो देखना बाकी है, बिकॉज एक ही वीडियो में सारी चीज़ों का अपन एक्सपेंसेस पता नहीं लगा सकते, जैसे कि अट्रैक्शन का क्या भाव होगा, या फिर कुछ अलग से अपन ने खा पी लिया है ना उसका भाव, या फिर टैक्सी फेयर क्या है, अलग से छोटी छोटी जो मेट्रो चलती है उसका क्या रेट है। हालांकि बेसिक चीज़ें आपने देख ली कि कैसे एयरपोर्ट से सिटी आया जा सकता है, सिम कार्ड इधर कितना महंगा है 2,000-3,000 रुपये का, या फिर हॉस्टल्स कितने महंगे है ना। अगर होटल चूज करो जिसके रेटिंग्स बेसिक हो, या फिर बेसिक सी रूम्स हो, तो 3 गुना आप भाव पकड़ के चलना हॉस्टल के उस हिसाब से रेट से। ग्रोसरीज के रेट्स थोड़े बहुत आपने ये वीडियो में देख लिए, कपड़े के जो मैंने हल्के फुल्के ग्लव्स की शॉपिंग की, तो वो भी आपने रेट तो देखे ही है कि कपड़े क्या रेट के है। और सोल को, साउथ कोरिया को ऊपरा ऊपरी से भी तो देखा है आपने, है ना, स्ट्रीट्स देख ली, पब्लिक देख ली, ये देख लिया, वो देख लिया। तो ये वीडियो में बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि सोल को आपने ऊपरा ऊपरी से देख लिया, अभी आगे के वीडियोस में हम अंदर से देखेंगे सोल को, अंदर से देखेंगे साउथ कोरिया को, तो बने रहिएगा।